नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24x7 और मैं तरुण प्रताप सिंह। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक और 100वां दिन छात्र समारोह 22, 23 और 24 को है। 22 तारीख को जहां गोल्ड मेडलिस्ट करीब 50 से 60 छात्र हैं उनको गोल्ड मेडल और उनकी उपाधि दी जाएगी, तो वहीं 23 और 24 तारीख को ढेर सारे संकाय प्रमुख जो कि अलग अलग संकायों में अब छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। आज जिस विषय पर या जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब भी कोई छात्र उपाधि ग्रहण करता है यानी डिग्री लेता है तो भारतीय वेशभूषा में होता है। आप सोच रहे होंगे क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि प्राचीनता की बात करता है और भारतीय संस्कृति की बात करता है तो उसके यहाँ डिग्री लेने का जो प्रावधान रहा होगा वो भारतीय परिधान में बहुत पहले से रहा होगा। ऐसा नहीं है, ये अभी कुछ ही साल पहले आया है और जो शख्स मेरे साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं इनके आंदोलन के कारण आया है। तो सबसे पहले इनका परिचय करते हैं और जानते हैं कि कैसा सफ़र तय हुआ और कैसे यह विचार आया। आपका परिचय है गुंजेश गुंजन झा, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कैसा रहा, मतलब कब से आंदोलन शुरू हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कब पहली बार ये डिग्री मिली। देखिए, आंदोलन तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे पहले से ही, लेकिन जो विरोध का स्वरूप आया तो जब 2012-13 सत्र में जब मैं अपनी बीएड की उपाधि ले रहा था उस वक्त मैंने गाउन पहनने से इनकार किया और पूर्णतः भारतीय परिधान में अपनी डिग्री लेनी चाहिए, तो संकाय प्रमुख के द्वारा विरोध भी हुआ जो आपका गाउन कहाँ है। मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ कि मुझे भारतीय परिधान में ही अपनी उपाधि मिले, तो उन्होंने कहा यदि आप गाउन नहीं पहनेंगे तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो मैंने कहा सर तो मैं डिग्री लेना नहीं चाहूँगा लेकिन मैं गाउन नहीं पहनूँगा। इसके बाद वहाँ जितने मित्र थे उन्होंने हर हर महादेव का उद्घोष किया, अंत में उन्होंने मुझे उपाधि दी। यहाँ से एक विरोध का जो शुरुआत कहेंगे विधिवत ढंग से ये हुआ, हालांकि हम लोग जागरूकता उससे पहले से ही ला रहे थे 2012 से पहले से। मतलब आप पहले विद्यार्थी हैं जिन्होंने भारतीय परिधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिग्री ली, कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं कुछ लोग लिए हों जिनकी जानकारी मुझे ना हो, लेकिन विरोध का स्वरूप हम लोगों ने शुरू किया। ये कैसा रहा आंदोलन, कैसा रहा सफ़र, कब आपको लगा कि नहीं ये जो गाउन पहन रहे हैं ये विदेशी दास्ता का प्रतीक है या जो भी आपके अनुसार है, कब लगा कि नहीं भारतीय परिधान में ही डिग्री लेनी चाहिए? देखिए, जब भी हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब 2007 में आए तो दीक्षांत समारोह जो होते थे तो देखता था तो मन में आती थी यार ये काले भेष में क्या ज़रूरी है यहाँ पे, कभी जून में दीक्षांत हो रहा है कभी अगस्त में हो रहा है, हर समय वही पोशाक चल रही थी। फिर मैं कहीं पढ़ रहा था कि डॉक्टर सी वी रमन जब 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने गाउन पहनने से उस समय इनकार किया था, तो ये हमारे लिए एक उदाहरण रहा। उसके बाद उन्हीं सब समय में 2010 में APJ अब्दुल कलाम जब लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जा रहे थे तो उन्होंने गाउन पहनने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस के उस समय थे जयराम रमेश जी, उन्होंने भी भोपाल में गाउन पहनने से इनकार किया। एक और उदाहरण जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार जी के द्वारा, उन्होंने भी कई जगहों पर गाउन पहनने से इनकार किया, लेकिन ये लोग छात्र नहीं थे, ये लोग एक मतलब स्थिति पे पहुँचे हुए लोग थे, अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च लोग थे, इन लोगों ने विरोध किया। छात्र के रूप में फिर हम लोगों ने देखा तो कोई उदाहरण नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब ये लोग विरोध कर रहे हैं सब कुछ, और जब हम लोगों को समझ में आई, हालांकि बहुत लोगों ने उस समय विरोध भी किया, भाई कपड़े कपड़े में क्या अंतर है, आपको गाउन पहनने में क्या दिक्कत है, तो हम लोगों ने कहा तो फिर यूनियन जैक और तिरंगे में अंतर क्या था, दोनों अगर देखिए तो कपड़ा ही था लेकिन ये भाव का अंतर है, हम लोग उसी के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर शुरू हुआ वो विरोध का दौर, फिर छात्रों में जागरूकता लाया गया, पंपलेट बांटे गए, पोस्टर चिपकाए गए, एक एक छात्रों से हम लोग जा के मिलते थे और मैं अकेला नहीं था उसमें, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मित्र थे जो हर जगह जा रहे थे, सबसे मिल रहे थे और सभी के प्रयास के स्वरूप ये विरोध का स्वरूप जो है वो व्यापक हुआ। उसके बाद फिर IIT उसी वर्ष 2013 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वो IT से IIT बना तो उसका दीक्षांत अलग होने लगा, तो हम लोग तत्काल गए सेंगल जी से मिले और सेंगल जी को हम लोगों का प्रस्ताव अच्छा लगा और उन्होंने अपने पहले ही दीक्षांत में भारतीय परिधान में कर दिया। उस दीक्षांत में कलाम साहब आए और कलाम साहब कहे कि मुझे पता होता कि यहाँ का वातावरण इतना भव्य होने वाला है, सब भारतीय परिधान में रहने वाले हैं, तो मैं भी धोती कुर्ता पहन के यहाँ आता,
ये एक हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि रही जो आईआईटी ने पहला। उसके बाद ये विरोध और भी व्यापक होना शुरू हो गया। जितनी सरलता और सहजता से आपने बता दिया, इतनी सरलता और सहजता से विश्वविद्यालय अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्यवस्था के खिलाफ चलकर कोई चीज़ आप स्वीकृत नहीं करवा पाएंगे। कैसा रहा आंदोलन, मतलब किस तरह का सफ़र था टोटल? देखिए, विरोध तो काफ़ी हुआ हर संकाय में, उसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू किया। आपको बता दूं कि जब आईआईटी में जब भारतीय परिधान लागू हो गए तो ये सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक ही उसके बाद सीमित नहीं रहा। संपूर्णानंद के जो छात्र आए और भी अन्य यूनिवर्सिटियों के, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद के दो गोल्ड मेडलिस्ट छात्र, एक बिपिन जी थे और एक सुमन चंद पंत जी थे, दोनों लोगों ने वहाँ पे विरोध करना शुरू किया और गाउन का विरोध किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पुनः फिर दीक्षांत आया तो यहाँ हर संकाय में छात्रों ने विरोध किया। बहुत सारे छात्रों को उसके कारण हानि भी उठानी पड़ी, उन्हें डिग्रियाँ नहीं दी गई, लेकिन छात्रों का विरोध क्रमबद्ध कई वर्षों तक जारी रहा और ये चलता रहा। छात्रों में जागरूकता भी चलती रही, हर दीक्षांत समारोह में सब विरोध कर रहे थे जो हम गाउन नहीं पहनेंगे। आपको 50 छात्र हर दीक्षांत में ऐसे मिल जाते, चाहे वो मेडिकल में हो, सोशल साइंस, आर्ट, सभी में जो जाते थे भारतीय परिधान में डिग्री लेना चाहते थे, उन्हें नहीं भी दिया जाता था, कुछ को दे भी दिया जाता था, लेकिन विरोध एक निरंतर जारी रहा। आप पूरा या कब लगा कि जिसे आपने वेशभूषा की बात की तो परिधान में भी भारतीय परिधान के अपने अपने देश के अपने अपने अंचल के अलग अलग परिधान है, चाहे उत्तर प्रदेश का आप बुंदेलखंड में चले जाएंगे तो उसका अपना एक परिधान है। जी जी। जो धोती कुर्ता या साड़ी का विचार आया, ये कहाँ से आया? देखिए, ये जो विचार था, जैसे हम लोग हर संकाय में बात करते थे, नेपाल में वाला जो विभाग है नेपाल अध्ययन का, तो हम लोग वहाँ भी गए तो वहाँ के लोगों का कहना था, देखिए पूर्वोत्तर का तो अलग है, हम लोग कैसे ये पहन सकते हैं, फिर और भी चीज़। तब मुझे समझ में आई जो भारतीय परिधान सिर्फ यही नहीं है, भारत के जो भी परिधान हैं वो हमारे अपने हैं और हर कुछ भारतीय परिधान है। तब फिर हम लोगों ने तय किया इससे अच्छा ये होगा कि महामना का जो परिधान था, चूँकि ये विश्वविद्यालय महामना ने स्थापित की है, तो महामना जैसा परिधान धारण करते थे उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, और हुआ भी यही। फिर हम लोगों ने सारे छात्रों से बात की जो महामना का परिधान कैसा रहेगा, तो सभी ने एक स्वर में उसका समर्थन किया। तो हम लोगों ने कहा इसमें कोई विवाद नहीं है, महामना जो परिधान धारण करते हैं छात्रों के लिए वो परिधान हो। पहली बार कब भारतीय परिधान में छात्रों को डिग्री मिली? देखिए, 2013 में जब मैंने विरोध किया, आईआईटी ने तो उसी साल लागू कर दिया था, उससे पहले भी विरोध हो रहा था, उसके बाद भी विरोध हुआ। 2015 में जब यहाँ प्रोफेसर गिरीशचंद त्रिपाठी जी कुलपति बन के आए तो हम लोगों ने उनके सामने दीक्षांत से पहले ही जाके रखा। हम लोग, चूँकि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ विरोध नहीं था, हम लोग चाहते थे बदलाव हो जाए, विरोध हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, तो हम लोग गए उनके पास। उनसे पहले के भी कुलपति जी में गए थे हम लोग देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और स्वीकार नहीं किया। इनको जब देने गए तो ये क्या, अरे यार इतना विरोध चल रहा था यहाँ, मुझे पता नहीं था। फिर सारी पेपर कटिंग, सारे समाचार पत्रों की जब रिपोर्टिंग उन्हें दिखाई गई, तब उन्होंने कहा मैं प्रयास करता हूँ, मैं आश्वासन तो नहीं देता लेकिन प्रयास मैं जरूर करूँगा। उनके इस आश्वासन पर हम लोग आ गए और कुलपति जी ने एक आध महीने के अंदर ही बैठक बुलाई और फिर उन्होंने सभी जितने भी विश्वविद्यालय के गणमान्य प्रोफेसर थे उनसे वार्ता की और फिर ये तय किया कि चूंकि ये विरोध चल रहा है और ये विरोध उचित भी है, कहीं से भी गलत नहीं है, एक क्रिएटिव वर्क है, इसलिए भारतीय परिधान में यहाँ पे दीक्षांत समारोह होना चाहिए। और उसी दीक्षांत में नरेंद्र मोदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। काशी हमेशा से ही आध्यात्म की शिक्षा की राजधानी के रूप में देखा जाता है और आज़ादी या जब भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान ना सिर्फ आज़ादी के समय रहा है बल्कि आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में भी रहा है। उस समय जब हम अंग्रेजी दासता को पूरी तरह ठुकरा चुके हैं और पर अभी भी उसके प्रतीकों को अगर ढो रहे थे तो निश्चित तौर पर हमें चिंता करना होगा। सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, भी देश कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ गाउन अभी भी पहना जा रहा है और बड़े दूसरे तरीके से पहना, जैसे लगता है कि आप इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में उसको बड़े गर्व तरीके से लोग बताते हैं। पर यह बदलाव अच्छा था और जरूरी भी था, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका आभार। और बतौर छात्र मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अंग्रेजी प्रतीक से मुझे मुक्त कर दिया, क्योंकि मुझे भी डिग्री लेनी है 23 तारीख को। आपको यह पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। आप